अस्सलाम वालेकुम ऑल, वेलकम टू द माशाल्लाह जायका। आज हम बनाएंगे बटर पेपर। बहुत ही इजी है बनाना इसको। हम घर में बना रहे हैं बटर पेपर। तो देखिए, मैंने दो तरह शीट्स ली हैं जिसमें कुछ भी लिखा हुआ ना हो। हमें ऐसी शीट्स चाहिए, प्लेन शीट्स। बस हमें शीट्स चाहिए और ऑयल चाहिए, जिससे हमारा बटर पेपर बन के रेडी हो जाएगा। तो ये ऑयल है। अब ये ऑयल मैं ब्रश की मदद से अपने प्लेन शीट्स जो मैंने ली उसके ऊपर ब्रश कर दूँगी ऑयल अच्छे से। उसको हमें ग्रीस कर लेना है, आगे पीछे दोनों साइड हमें ऑयल ग्रीस करना है अच्छे से। तो इस तरीके से जैसे मैं लगा रही हूँ, उस तरीके से आप लगाइए इसको। देखिए फ्रंट पे हमारा लग गया है। अब हम उल्टाएंगे, बैक करेंगे। बैक पे ही मैंने जो नीचे शीट्स रखी है उसी के ऊपर मैंने लगा दिया है, ताकि हमारा जो ऑयल है ज़्यादा वेस्ट ना हो, और जो हमने फर्स्ट पेज पर जो हमने ऑयल लगाया वो हमारा सेकेंड पेज पर भी उसके ऊपर लग जाएगा, और ज़्यादा ऑयल हमारा जो है वेस्ट नहीं होगा। तो इसको हमने अच्छे से दबा दबा के लगा देना है। देखिए अभी इसको ये कितना ट्रांसपेरेंट लगेगा। देखिए उस पर भी लग गया है, सेकंड शीट पे भी। ये देखिए, तो बहुत इजी है बटर पेपर घर में बनाना। तो ये देखिए बनके तैयार है हमारा बटर पेपर। अब इसमें हमारा जो एक्स्ट्रा ऑयल होगा उसको हम एक कपड़े से पोंछ देंगे। देखिए अभी दिख रहा होगा आपको ऑयल। और जो हमारा ये सेकंड पेपर है इसको देखिए आप, और इसको देखिए। ये देखिए ये बनके तैयार है सेकंड पेपर। अभी देखिए, अब इसको भी हम रेडी कर लेंगे। अब अच्छे से इस पर भी हम ऑयल ग्रीस कर लेंगे, अच्छे से लगा देंगे आगे और पीछे। अच्छे से लगा दिया है इसको मैंने, आगे भी लगा दिया है और मैंने इसको पीछे भी लगा दिया है। अब देखिए कितना डिफरेंट दिख रहा है। ये देखिए आप खुद ही, हमारा वाइट पेपर जो है एकदम ही बटर पेपर बनके तैयार हो गया है हमारे दोनों भी। अब हम इसको क्या करेंगे, अपना जो एक्स्ट्रा इसके ऊपर जो ऑयल लगा हुआ है वो हम ज़रा हल्के कपड़े से, हल्के हल्के हाथों से उसको टैप टैप करके पोंछ देंगे इस तरीके से। बस ऐसे ही करना है। तो बनके तैयार है हमारा बटर पेपर। आगे पीछे दोनों साइडों से हमें एक्स्ट्रा ऑयल जो है उसका टैप टैप करके निकाल देना है। तो अब मैं इसको पास से बताती हूँ। देखिए कितना ट्रांसपेरेंट लग रहा है हमारा। हमने वाइट पेपर लिया था, वाइट पेपर हमारा बटर पेपर में तैयार हो गया है। तो बहुत ही ईजी है घर में बटर पेपर बनाना। अगर नहीं है आपके पास तो वही आप शीट लीजिए, A4 शीट, जो भी आपके पास शीट्स हो, प्लेन शीट। बट ये ध्यान रखिए कि उसमें आगे पीछे कुछ भी लिखा हुआ ना हो। बस उसमें आप ऑयल ग्रीस कीजिए, 2 मिनट ऐसे ही रखिए, फिर इसके ऊपर का एक्स्ट्रा ऑयल पोंछ दीजिए। अब मैं आप उसको किसी भी मोल्ड में आप इसको अच्छे से, केक ट्रे जो होती है मैं उसमें लगा के बता रही हूँ। मैंने ये घर में ही बना के मैंने इसके केक भी बनाया है, और मैंने यही पेपर से ब्राउनी भी बनाई है। तो इसको मैंने, आप इसको चाहे तो मोल्ड के आकार में काट के यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसको, जल्दीबाजी का काम था मेरा, तो मैंने इसको ऐसे ही अपने मोल्ड में लगा दिया था। तो इस तरीके से आप उसको अपने मोल्ड में सेट कर लीजिए। इसमें हमें एक्स्ट्रा ऊपर जो हम डस्टिंग करते हैं वो भी करने की हमें इसमें ज़रूरत नहीं पड़ी। देखिए आपको नीचे जो हमारा मोल्ड है वो भी आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये आप देख समझ सकते हैं कि हमारा बटर पेपर कितने अच्छे से बनके रेडी हुआ है। तो देखिए एक मैंने मोल्ड में लगा रखा है, एक हमारा साइड में पड़ा हुआ है। तो मैं आपको वो साइड में इसलिए रखा हुआ है कि आप देख सकें वो कितना ट्रांसपेरेंट हमारा बटर पेपर घर में बनके रेडी हुआ है। जो हमने नीचे चॉपिंग बोर्ड रखा है वो भी हमें नीट एंड क्लीन दिखाई दे रहा है कि नीचे चॉपिंग बोर्ड है। तो बनके तैयार है हमारा घर में बटर पेपर। तो आप भी बनाइए, घर में आसानी से बन जाता है बटर पेपर। इसी में मैंने अपनी ब्राउनी बेक करी थी, तो मैं आपको ये दिखा रही हूँ। जल्दी इसकी रेसिपी भी आपको मिलेगी।